तमिलनाडु के सीएम पलानी सामी करुणा निधि को श्रद्धांजलि देने चेन्नई के राजाजी हॉल पहुंचे, तब जमकर वहां पर नारेबाजी हुई। सीएम पलानी सामी के राजाजी हॉल पहुंचने पर डीएमके समर्थक भड़क उठे। पलानी सामी को दुश्मन बताते हुए उन्होंने नारे लगाए। चूंकि सरकार की तरफ से मरीना बीच पर जगह नहीं दी जा रही है समाधि को लेकर के, सरकार अपना तर्क रखने के लिए सुबह तक का वक्त कल रात को मांगा गया था सरकार की तरफ से। अब अभी सुनवाई हाईकोर्ट में, मद्रास हाईकोर्ट में होना बाकी है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो उनका विरोध, यहां के लोग जो डीएमके कैडर हैं या जो करुणानिधि इनको मानते वाले लोग हैं, उन्होंने घोषणाबाजी करना, घोषणा देना शुरू किया। आप लोग क्या दुश्मन, क्योंकि वो तो जगह नहीं दे रहा, अच्छी तरह का बातें कर रहा है उसके बाद जगह नहीं दे रहा, वही प्रॉब्लम है हमको। क्योंकि इतना बड़ा लीडर पहले जगह नहीं देने से क्या होगा, वही प्रॉब्लम है हमको। बीच में क्यों जगह नहीं दे रहा, सब लीडर को दिए थे ना, ये 50S का काम किया है। हाँ, जय ललिता को दिए थे ना, क्यों इतना बड़ा कलेंजर को नहीं दिए, 50S काम किया है सबके लिए। हाँ, तमिल है वो तो, तमिल के लिए बहुत किया हुआ, सब पब्लिक के लिए भी बहुत किया हुआ, वो क्यों नहीं कर रहा, वही प्रॉब्लम है। सरकार कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपको लगता है ये क्या पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा? हाँ, ये तो पॉलिटिकल गेम ही हो रहा है, क्योंकि इतना सब कोई भी मना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये सिर्फ इन लोग की बात कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम है उसको। हाँ, ये देखें, यहाँ दुश्मन कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री को, इस तरह की घोषणा यहाँ दी जा रही है। इनका ये कहना है कि राजनीति की जा रही है, और जिस तरह एक ऐसे शख्स के गुजर जाने के बाद राजनीति हो रही है जिसने तमिलनाडु को आज की शक्ल दी, ऐसे व्यक्ति के गुजर जाने के बाद उनको आदर सम्मान देने के बजाय इस तरह उनका अपमान किया जा रहा है, और इसीलिए उनके खिलाफ यहाँ नारेबाजी हुई। तो आपने देखा कि दुश्मन कहा जा रहा है डीएमके के समर्थकों की तरफ से मुख्यमंत्री को, जब वो श्रद्धांजलि देने के लिए करुणानिधि को पहुंचे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।